अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम जिसे टेस्ट करने जा रहे हैं वो है माइक्रोवेव ओवन डोर स्विच। माइक्रोवेव ओवन का डोर स्विच ये है। माइक्रोवेव ओवन का डोर स्विच इसमें फर्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, इधर सी, इधर एन ओ और इधर एन सी। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, सी एन ओ और एन सी ये कंटेक्ट्स हैं। ये इसका पुश बटन है। जैसे मैं इसे पुश कर रहा हूँ टिक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी वाजे करने की कोशिश की है। ये सी है, ये एन ओ और ये एन सी, और ये ऊपर मैंने इसका पुश बटन स्विच बनाया हुआ है। जो ही हम इसको पुश करते हैं एन ओ एन सी हो जाता है और एन सी एन ओ हो जाता है। ठीक है, चले हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसके कॉमन और एन सी पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पर सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं। जैसे ही हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर सेलेक्ट किया तो मल्टीमीटर बजर टून ऑन हो गया। इट्स मीन कि इसका कॉन्टैक्ट्स ओके है। अब मैं जैसे ही इसके ये पुश बटन है ना, ये इसका ये पुश बटन, जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो इसका जो एन सी कॉन्टैक्ट है वो एन ओ होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये देखिए, मैंने जो ही इसको पुश किया इसका एन सी कॉन्टैक्ट एन ओ हो गया और मीटर की बजर टून भी बंद हो गई है। देख सकते हैं आप, कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। अब मैंने कॉमन और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। कॉमन नॉर्मली ओपन मीन आम हालत में ये ओपन होता है, तो जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा, पुश करूँगा, तो इस ये एन ओ कॉन्टैक्ट एन सी होना चाहिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको, देखिए बजर टून आ रही है, इट्स मीन इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स भी ओके है। तो गाइस ऐसे ही इसे चेक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।